कर रहा है। परपरा बढ़ाया पेपे का कुत्ता, अतमरे तो हो चुके हैं। नहीं, रसम तो होगी, बिकॉज मेरी मॉम है, उनको कुछ पता नहीं है कि ये शादी किस सरकमस्टेंसेस में हुई है, और मैंने भी कुछ बताया नहीं है उन्हें। तो रस्म रिवाज तो होंगे, लेकिन वो ये बहुत सारी टेंशन भी लेके आई है ये शादी। ओके, देखा जा रहा है यहाँ पे शो में एक नई एंट्री हुई है, तो तवलीन जो कि आपकी बीजी है, तो बीजी के साथ मिलकर क्या कुछ ड्रामा अभी मिलने वाला है, क्या कुछ बरार हाउस में तबाही होगी? इसी बात की टेंशन डॉलर को भी है, बिकॉज तवलीन जो है वो डॉलर की दादी हैं, हमारी दादी हैं, और उनका एक अपना एजेंडा है, एक इरादा है, और इतना लंबा लेके जाने का कोई इरादा नहीं था, ना डॉलर का ना रिया का। उन्होंने शादी की थी गुस्से में आके, एक पॉइंट तक हर्ट करना था उनको, फैमिली को, बस उतना ही था उनका। लेकिन अब क्या, अब ये चीज़ खिंच गई है, और इसी चीज़ की टेंशन है डॉलर को, बिकॉज अब दादी आ गई है तो वो अपने तरीके से चीज़ें करवाएगी, तो ये शादी कहीं ना कहीं निभानी ना पड़ जाए। मन में यही चल रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई है, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड नहीं था। अब तक चीज़ें ऐसे थी कि ठीक है, गुस्से में आके चीज़ें की और फिर हम तोड़ देते शादी, ख़त्म कर देते, ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब क्या है कि अब फंस गए हैं, ऐसे लग रहा है एक फंसी हुई सिचुएशन हो गई है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा है निकलेंगे कैसे। अष्ट किस्मत के ताले ऐसे खुले हैं कि आप पर निकाल हो गए। वाहेगुरु, तेरा लख लख शुक्र है, लख लख शुक्र। बोला सत श्री अकाल। मर परा बड़ाया बेबे का पुत्र।